शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंगलवार की देर रात जहां 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं बुधवार की सुबह कॉलेज नगर के 24 लोगों के नेगेटिव में तब्दील होने से उन्हें डिस्चार्ज दे दिया। इस बीच बुधवार की दोपहर अष्टाग्राम के 5 लोगों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। ऐसे में तहसील के कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95 हो गया है। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रकोप और दिनों दिन बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या दिग्रस शहर और तहसील के लिए अब शायद नई बात नहीं रही। आजकल शहर के बाजार, हाट, दुकानों और रास्तों पर नजर डाले तो जगह जगह लोगों को रेल चेल साफ सफाई दिखाई दे रही है। इस छूट में जहां लोगों का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, उसमें जिला एवं स्थानीय प्रशासन की अनुमति भी शामिल है। बहरहाल बुधवार को आष्टाग्राम के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके चलते बुधवार शाम को खबर लिखने तक तहसील के कुल कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 95 हो गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात संभाजीनगर के 10, कोष्टीपुरा से 1 और सूरजनगर के 2, ऐसे कुल 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी बीच बुधवार की सुबह कॉलेज नगर के 24 लोगों ने निगेटिव में तब्दील होकर घर वापसी कर ली है। मालूम हो कि बीते 3 दिन पहले आष्टाग्राम में स्वैप टेस्ट की प्रक्रिया के बाद इकट्ठा किए गए सैंपल्स को यवतमाल जाँच के लिए भेजा गया था, जिनमें से बुधवार की दोपहर को आष्टा के 5 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट का खुलासा हुआ। ऐसे में तहसील में कुल कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 95 हो गई है। सूत्रों ने बताया कि बीते दिनों यवतमाल जांच के लिए भेजी गई रिपोर्ट बुधवार देर रात तक आने की संभावना है, जिस वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होने की आशंका बढ़ गई है। बहरहाल दिग्रस शहर का मार्केट शाम 5 बजे तक खुला है। बाजारों में लोगों की आम दरफ्त लगी हुई है। ऐसे में जनता को चाहिए कि वह सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सही से पालन करे, क्योंकि फिलहाल प्रशासन की सख्ती में कमी आई है, कोरोना संक्रमण के प्रकोप में नहीं। NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।